वेलकम टू ट्रैवलिंग रॉक्स। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट कैसा है, इनसाइड द हाउस भी कह सकते हो। मैं जा रहा हूं अब ट्रांसफ़र की ओर, क्योंकि मुझे न्यू दिल्ली से कोपनहेगन जाना है। मैं अभी संभाजी नगर से आया हूं, तो इस वीडियो में आप देखोगे इनसाइड डोमेस्टिक एयरपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ मैं आपको इंटरनेशनल भी एयरपोर्ट दिखाऊँगा इनसाइड। सो ये एग्ज़िट और साथ ही साथ ट्रांसफ़र भी है यहाँ पर, बट ये जैसे कि सामने देख रहे हो आप डोमेस्टिक ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो मुझे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लेना है और लगेज भी यहाँ से लेफ्ट हैंड से है मेरे, तो हम जाएंगे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में। आपको दिल्ली से औरंगाबाद हैदराबाद जाना है तो आप डोमेस्टिक ट्रांसफ़र यहाँ से ले सकते हो। यदि आपको इंटरनेशनल जाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, 3 से 4 मिनट की दूरी है इंटरनेशनल के लिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर ही सिक्योरिटी चेकिंग है, लेकिन आप इंटरनेशनल हम जा रहे हैं तो अंदर से अलग सिक्योरिटी चेकिंग होगी। लेट्स सी। ये बहुत ही फेमस है दिल्ली एयरपोर्ट का। हाँ परफेक्ट। ये एग्ज़िट एरिया है दिल्ली एयरपोर्ट का। अब यहाँ से एग्ज़िट करोगे आप ये साइड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैब भी मिलेगी। हमें फिर से फ़्लाइट लेनी है यार। थैंक यू। ट्रांसफर मैं तो यूं ही मेरे गाने का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। वो क्या है? नहीं इधर नहीं। हाँ ये इधर भी है रे। हेलो रास्ता को ईमान नदी हो ना। हाँ वो फ्लाइट में तो एयर इंडिया अच्छी जैसी। हाँ बाकी नहीं हाँ
एयर इंडिया सस्ते बाकी का तो काफ़ी नहीं। हाँ वो तो साथ में घूम रहा है, अशो है वो शाम तक बहुत जा रहा है, सेम डे डायरी। यहाँ पे इतना एयर इंडिया की जिंदगी भर अच्छी होना चाहिए। सेम टाइम उधर से तो पेट के 8 बजे या उतरो 11 बजे। वाह वो को 150,000 रुपये आने हमारे दोनों को 1,00,000 में रिटर्न ही अशे वो रिटर्न करियो तो पूरे वहाँ से करो। वहाँ सिंगल जर्नी काट बोको डबल जर्नी कर बोको फर्क पड़े देख। तो 1.5 लाख को या 50,000 अभी वो 1,00,000 हाँ 1,50,000 अब जितना कमाए उतना ठीक है। अब पूरा कमार की चामरा का गान कर चुका है घर चलिए फिर खाई काम की जिंदगी। जब तक 10 रुपये कमाए को मैं से 3-4 रुपये खर्च कर पर भी याद रख लो अपन में 10 का 10 रखे तो फिर कहीं फायदा नहीं होना हो। आशो है बर जाल ब्रह्म ज्ञान अब कहीं तरी खावा चाह पीब कि अपन को चाह पीवा फिर प्रस्थान करा गेट पर ठीक है। हाँ देखिए इंटरनेशनल में वो लॉन्च था अपन उस दिन बाहर जाके देख रहे हैं क्या कितने सस्ते बता रहे हो। उसमें सोने का भी नहीं चेयर पे बैठो बोले ब्रेकफास्ट भी नहीं उसमें। नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गाड़ी लेनी कि अपने को राडो रूडो ये साली आईफल के वॉच जैसी डुप्लीकेट लेके घूमते लोग कौन सी ओरिजिनल कौन सी डुप्लीकेट समझता भी नहीं। ये क्या है मोनू फूड कोर्ट ऊपर है तो फूड कोर्ट में चलने का ये वो दशमी खाने ठीक है। फिर फूड कोर्ट ऊपर है तो इधर KFC BFC है क्या आगे भी होगा क्या लगता। फाइनली हम हो गए थोड़े परेशान खाएंगे हम कुछ। इन्होंने ऑर्डर किया है KFC और हमने ऑर्डर किया है इंडियन पनीर मसाला तंदूर रोटी और राइस जो आएगा अभी थोड़ी देर में। ये फूड कोर्ट की अच्छी होटल है CAR 0 बार बिल्कुल मत आइए ये CAR 0 बार बहुत ही फालतू रेस्टोरेंट है। ऑर्डर लेने के बाद बार बार बोलना पड़ता है उनको रोटी 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 रोटी। कितने दूर से आई हो है ना बट वो लेडीज है बस। हाँ
मोनो तनुज भी रहे हैं, तनिष टाटा प्रोडक्ट। अरे एक मिनट में अमोनू इधर है ना, हमारे गेट में बदलाव हो चुका है, देखिए ओपन है गेट नंबर 17। नीचे सोने का मजा है बोलो। ये 17 पिछली बार यहाँ से नीचे गए थे हम, फिर फ्लाइट थी यहाँ से नीचे, सॉरी थोड़ा आगे। सी द टू मच बिग एयरलाइन द एयर इंडिया कर्नाटका। ये वीडियो था दिल्ली एयरपोर्ट का इंटरनल साइट सीन। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।